रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत रोली में दबंग सरपंच द्वारा किए गए भ्रष्ट कार्यों से ग्रामवासी परेशान हैं। साथ ही देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले अमर शहीद के पूज्य पिता भी इस भ्रष्टाचार के दंश को झेल रहे हैं। सरपंच खुलेआम जनता का खून चूस रहा है, सड़क के नाम पर किया जा रहा है शासकीय राशि का दुरुपयोग। रीवा जिला भ्रष्टाचार में तो पहले से ही प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, किंतु ग्राम पंचायत रोली की दुर्दशा देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रोली में दबंग सरपंच रेवा द्विवेदी के चलते पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। आपको बता दें कि अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी के गृह ग्राम रोली में सरपंच द्वारा 8 महीने पहले जो आधी अधूरी सड़क बनवाई गई है, उस रास्ते से लोगों को पैदल ही चलना दुर्वर है और आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति गिरकर जख्मी होता रहता है। यहाँ तक कि ग्राम पुरैनिया में भी एक वर्ष पहले जो PCC सड़क बनाई गई थी वह भी उखड़कर नष्ट हो गई है। अमर शहीद के पिता राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत रिटायर्ड धर्मगुरु श्री राम सुमिरन द्विवेदी ने कहा कि एक दिन सरपंच साहब मेरे घर आकर बोले कि जब तक रोजगार सहायक विवेक तिवारी वित्तीय प्रभार में रहेगा तब तक हम कोई भी कार्य न तो कर पाएंगे और न ही करने देंगे। ऐसे में सरपंच द्वारा कराए गए भ्रष्ट कार्य से परेशान रिटायर्ड धर्मगुरु ने शीघ्र ही जनपद पंचायत CEO व रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलेया राज टी से गुहार लगाने का निर्णय लिया है। ये रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत रौली में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की संख्या में आए दिन वृद्धि होती ही जा रही है। पर खासकर रौली ग्राम पंचायत एक ऐसा ग्राम पंचायत है कि जहां अमर शहीद रघुनाथ जी द्विवेदी के यहां सड़क बननी थी, आज 6-7 महीने से वही सड़क पेंडिंग में पड़ी हुई है और उनके पिता श्री राम सुमन द्विवेदी जी जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं और धर्मगुरु के पद से रिटायर्ड हुए हैं, वो किसी दिन रास्ते से निकले जा रहे थे तो अचानक गिरकर उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई, जख्मी हो गए। तो मेरे साथ आज वही धर्मगुरु जी बैठे हैं, मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगा कि सर आपके यहाँ क्या 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 समस्याएँ हैं, थोड़ा सा आप बताने कृपा करें। समस्याएँ तो आप स्वयं देख ही रहे हैं जी जी, जिस तरह से ये हाल है यहाँ पर। मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। भारतीय सेना में जी लाखों लोग प्रविष्ट होते हैं जी जी, किंतु उग्रवादियों को मारते हुए भारत माता की रक्षा में प्राणोत्सर्ग कर देना जी जी किसी किसी को सुलभ होता है जी। इस प्रकार से हमारे लड़के ने उग्रवाद 6 उग्रवादियों को मारते हुए अपना प्राणोत्सर्ग किया भारत माता म्यांमार बॉर्डर में जी जी। और आज 8 महीने से हो गया है ये यहाँ बोल्डर बिछा करके रोड के अंदर, हमने जहाँ जहाँ बताना चाहिए हर जगह जा करके बताया, लेकिन सरपंच की इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी की आप लोग स्वयं यहाँ देख रहे हैं कि क्या हाल हो रखा है इस रोड का जी जी। नहीं नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरपंच महोदय जी जब से ये रोड बनवाना शुरू किए तो बीच में क्यों छोड़ दिए, और उनकी उनके द्वारा बनवाई गई जहाँ जहाँ सड़कें हैं हम सारी सड़कों का निरीक्षण कर चुके, स्थल पर गए, वीडियो वहाँ का बनाए, हर तरह से उनकी जो 1 साल की बनाई सड़क है हमको ये लग रहा था करीब 25 साल की बनाई हुई सड़क है, और यहाँ आपके गांव में आपके उसी स्थान में बैठे हुए हैं तो यहाँ की स्थिति देखने बाद तो हमको ये लगता है कि हकीकत में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों ने कभी किसी शिकायत वगैरह की कि सरपंच साहब हमारे गांव में इस तरह का कार्य कर रहे हैं? अब ये अधूरा काम आप स्वयं देख रहे हैं, पड़ा हुआ है। एक दिन हमने बात किया तो हमसे कहते हैं कैप्टन साहब जब तक रोजगार सहायक ये विवेक तिवारी रहेगा तब तक हम इस रोड को किसी सूरत में नहीं बनाएंगे, चाहे मुझे CEO साहब जवाब बर्खास्त कर दें, चाहे मुझे कलेक्टर साहब बर्खास्त कर दें, लेकिन मैं विवेक तिवारी के साथ हरगिज ये रोड नहीं बना सकता। ही टोल्ड मी जी जी। देखिए आप कैप्टन साहब की बात सुन ही रहे हैं, अगर सरपंच साहब इस तरह का भेद करेंगे कि हम विवेक तिवारी जो रोजगार सहायक उनके साथ रोड नहीं बनाएंगे, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से चाहे दोनों लोगों के बीच में पैसे का मतभेद हो, चाहे राजनीतिक मतभेद हो या गांव के नाते कोई विरोध हो, ये एक सरपंच और रोजगार सहायक के बीच में बात शोभनी नहीं है। तो सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर सरपंच साहब आपकी समस्या को नहीं सुनते हैं तो क्या आप किसी अधिकारी के पास जाना चाहेंगे, कलेक्टर साहब या जिला पंचायत CEO या मुख्यमंत्री राज
हमने अल्फाबेटिकल थ्रू पेपर चैनल पहले भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नेता श्री लक्ष्मण प्रसाद सोनी जी से उन्मुख हुआ। तदुपरांत मैं जवा के जनपद जो सीओ हैं पांडे जी उनको बताया जी। इसके बाद मैंने माननीय वंदनीय पूजनीय डॉक्टर इलैया राजा टी जी जी जी। जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनसे भी मैंने स्वयं बात की है जी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जरूर इस पर एक्शन लूंगा जी जी जी। नहीं नहीं, अभी आपके यहाँ हम देखें जिस स्थान में बैठे हुए हैं जी, इसी स्थान में आए और हम जनपद पंचायत सीओ को फोन लगाए। कैनन न्यूज के लिए रोली से सुशील पाठक की रिपोर्ट।